ये गेट है और ये दरगाह है अंदर। आप दर्शन कर सकते हो। और मैं हूँ हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। तो देखते रहिए, हम आपका एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे। तो गाइस ये है वो दरगाह खाजा दाना, पीर खाजा दाना। मान्यता बहुत है यहाँ पे। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। अगर कैमरा अलाउ रहा तो, नहीं तो मुश्किल है। तो ये है वो दरगाह, देख सकते हो आप। ये देखिए, अगर अंदर अलाउ रहा तो मैं अंदर भी आपको दर्शन करवा दूँगा। तो मैं हूँ दरगाह पे सूरत में, खाजा दाना दरगाह है। चलिए, अगर कैमरा अलाउ रहा तो अंदर भी आपको दर्शन करवा देंगे, नहीं तो फिर यहीं से आप माथा टेक लीजिए। तो ये मैं यहाँ पे आया हूँ, ये है दरगाह पीर खाजा दाना। ये गेट है और ये दरगाह है अंदर। आप दर्शन कर सकते हो। तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, यहीं से आप दर्शन ले सकते हैं। हाँ, दरगाह है, दरगाह परिसर। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। क्या है ये, क्या है पता नहीं, जो भी है मालूम नहीं है, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते क्या है, क्योंकि बिना जानकारी के हम कुछ नहीं दिखा सकते। आई थिंक ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है मिनी पाकिस्तान। हाँ, इमाम बाड़ा रहे हैं। तो गाइस ये जो आप पिंजरा देख रहे हो, ऐसा माना जा रहा है कि अजमेर शरीफ से यहाँ तक जो पीर बाबा जिनकी मजार है यहाँ पे खाजा दाना जी, इस पिंजरे में वहाँ से उड़कर यहाँ पे आए थे। तो ये बहुत ऐतिहासिक पिंजरा है, आप देखिए और सजदा कीजिए। साल पुराना इतिहास है, 810 साल पुराना इतिहास है। बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं इसको, और ये लकड़ी भी काफी पुरानी है। और ये हजरत खाजा दाना मेडिकल सार्वजनिक ट्रस्ट संचालित द्वारा सभी लोगों को बहुत ही कम रेट में दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो
जो यहाँ पे नज़दीक रहने वाले हैं इस चीज़ का लाभ उठाएं, और बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। तो गाइस ये हॉस्पिटल और ये सामने मस्जिद, और ये स्टेशन रोड है आई थिंक, ये इसके ये ब्रिज के नीचे चौदह बाजार। अच्छा, चौदह बाजार, चौथा बाजार, ओके। तो देखते रहिए, देखते रहिए, मजे लीजिए सूरत के, मेरे साथ साथ आप लोग भी। कोई तो दिन में ही पटाखे फोड़ रहा है बच गए होंगे, सोचता होगा आज फोड़ लो, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। तो अभी आप लोगों को मैंने दरगाह के दर्शन करवा दिए। ओहो, सामने है क्लॉक टावर, चलिए दिखाते हैं आपको। और ये तो सब शहर में होता है, बॉम्बे में भी रिक्शे में 10-10 लोग बिठा लेते हैं। नहीं, वो आउटसाइड, बॉम्बे में नहीं, आउटसाइड जो रहता है ना सिटी, यहाँ पे तो अभी कम कर। हाँ, वैसे ऐसे नहीं भाई, कोर्ट सीट अलाउड करने में उसकी है। ये देखो, ये है क्लॉक टावर, ठीक है। क्लॉक टावर, अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं कहीं और। भाई मेरे, भीड़ देख सकते हो, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कंपनियाँ बंद हैं, नहीं तो रोड से निकलना मुश्किल हो जाता है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off. अब आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ ना भाई, मजा आएगा देखकर। चलिए बने रहिए, स्किप मत करना, बहुत मज़ा आने वाला है। गोपी तालाब के एंड पार्क, हेलमेट नहीं जवाबदारी, गाड़ी ना मालिक नहीं रहे थे, मतलब जो हेलमेट है ना उसकी जवाबदारी, जो जिसकी गाड़ी है वो अपनी खुद जवाबदारी उठाएगा। तो गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, और अभी यहाँ पे कुछ टिकट प्राइस है शायद, आई थिंक लेना। ये प्रवेश द्वार है, यानी एंट्री है, यहाँ से एंट्री करेंगे हम लोग। तो एंट्री ज़बरदस्त है यहाँ से, और आपको दिखाते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। सूरत महानगर पालिका द्वारा गोपी तालाब, और यहाँ से लेनी है टिकट। टिकट कितने की है वो बताएंगे आपको हम। टिकट ले ली है मैंने, और ज़्यादा महंगी टिकट नहीं है, 20 रुपये की एक टिकट है, यानी दो लोगों का 40 रुपये है। गाइस, कैसा रहा आज का ब्लॉग, कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना।
मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।